सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना हिंदू एनालिसिस 19th of May के लिए। ठीक है, सो अपना फर्स्ट टॉपिक कहता है चॉकआउट प्लान्स टू इंश्योर चिल्ड्रन आरंट माल नरिश्ड। एससी हाई कोर्ट ने तो इस बात कही है माल नरिशमेंट पे, तो अपन देख लेते हैं कि माल नरिशमेंट क्या होता है, अपने लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से आप इसको लिंक कर सकते हो। ठीक है, और अगर इसके ऊपर कुछ आंसर आ जाए या कैसे आएगा तो आपको बता देते हैं। तो प्रिलिम्स के लिए आपके पास माल न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए, स्टंटिंग क्या होता है, वेस्टिंग क्या होता है, एनएफएच 5 का सर्वे है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइए। मीन्स में क्या रहेगा, फाइंडिंग्स ऑफ एनएचएफएस आपसे डायरेक्टली मीन्स में कुछ पूछ देंगे, हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन पॉपुलेशन एसोसिएटेड इश्यूज अपना GS1 का टॉपिक है। राइट, तो डायरेक्टली आप लिंक कर सकते हो माल न्यूट्रिशन पे कि कैसे माल न्यूट्रिशन सबसे लिंक्ड है। तो अपन देख लेते हैं कि माल न्यूट्रिशन होता क्या है। माल न्यूट्रिशन इज अ कंडीशन that develops when the body is deprived of vitamins and minerals. तो malnutrition क्या होता है, जब भी आपकी body कोई vitamins और minerals से कम होती है, मतलब like vitamins और minerals की कमी है, right? तो उसको क्या कहेंगे अपन, mineral और vitamin deficiency, तो उसको कहते हैं अपन malnutrition. And other nutrients it needs to maintain health issues in organ function. तो आप ये देख सकते हैं कि काफी दूसरे nutrients की कमी है आपके हेल्दी और ऑर्गन फंक्शन को हेल्दी रखने के लिए, मतलब आपके ऑर्गन और टिश्यूज को हेल्दी रखने के लिए, राइट? तो इसको अपन माल न्यूट्रिशन कहेंगे। माल न्यूट्रिशन ऑकर्स इन पीपल हु आर आइदर अंडर नरिश और ओवर नरिश। तो माल न्यूट्रिशन सिर्फ अंडर नरिश पीपल को नहीं होता, दोनों जनों को हो सकता है, राइट? जैसे कि स्टंटिंग और वेस्टिंग दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, राइट? तो अपन अगर थोड़ा सा आप एनएचएफएस सर्वे के बारे में देखें तो उन्होंने स्टंटेड चिल्ड्रन के ऊपर क्या बोल रखा है। ठीक है, तो स्टंटेड चिल्ड्रन के ऊपर NHFS 5 सर्वे का ये बोलता है कि मेघालय का सबसे हाईएस्ट नंबर है, उसके बाद आता है अपना बिहार, राइट? और अगर अपन वेस्टेड चिल्ड्रन में देखें तो सबसे पहले आता है महाराष्ट्र, ठीक है, उसके बाद जाके आता है गुजरात, ठीक है। फिर अगर अपन उसके बाद देखें, चलो मैं आपको स्टंटेड और वेस्टिंग क्या होता है ये बताता हूँ, आप इससे कंफ्यूज हो जाओगे। तो वेस्टिंग क्या होता है, आपकी वेट फॉर हाइट, माने क्या होता है, आपकी हाइट इंक्रीज होती जाती है लेकिन आपका वेट इंक्रीज नहीं हो पाता है, राइट? और स्टंटेड में क्या होता है, आपकी वेट बढ़ता जाता है लेकिन आपकी हाइट इंक्रीज नहीं होती। तो ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट अलग है, राइट? तो ध्यान रखना चाहिए स्टंटेड क्या होता है, वेस्टिंग क्या होती है, राइट? वरना अगर आप दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम रहेगी, राइट? सो अपने देखा, चलिए अपन देखते हैं कि अपन ने थोड़ा सा उसके बारे में देख लिया, अपन ने NHFS सर्वे के बारे में देख लिया, सॉरी गाइस, तो अपन थोड़ा सा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स देख लेते हैं कि गवर्नमेंट की क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं इससे रिलेटेड डील करने के लिए, राइट? तो पोषण अभियान, पोषण अभियान क्या कर रहा है, पोषण अभियान ये कहता है कि अपने को माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बनाना है बाय 2022, लेकिन अपन तो देखते हैं कि 2022 तो निकल गया, लेकिन इस मिशन का ये वर्क है कि कंट्री को पूरा माल न्यूट्रिशन फ्री करना है, राइट? तो एक पोषण अभियान गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, राइट? उसके बाद है एनीमिया मुक्त भारत अभियान, मतलब कि क्या हो रहा है कि अपने अपन ने देखा था पहले भी आर्टिकल्स में कि एनीमिया की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, राइट? आयरन डिफिशियंसी मोस्टली मानी जाती है जो, तो उसको डिफीट करना, उसमें डिक्लाइन लाना और लोगों में इम्प्रूवमेंट लाना, राइट? सो एनीमिया मुक्त भारत अभियान लिख सकते हैं आप। उसके बाद आता है अपने पास मिड डे मील स्कीम, तो मिड डे मील स्कीम क्या कॉन्सेप्ट है, आप स्कूल तो जाएं उसके साथ आपको लंच भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी स्कूल्स में, तो क्या होगा, लोगों का न्यूट्रिशन लेवल बढ़ेगा, ठीक है? अगर लोगों का न्यूट्रिशन लेवल बढ़ेगा तो क्या कम होगा, सिंपल सी बात है, माल न्यूट्रिशमेंट कम होगा, राइट? तो अपन सारी इन चीजों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है अपना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, तो ये क्या करता है, ये भी यही काम करता है, राइट? लोगों को फूड और न्यूट्रिशन इंश्योर करता है, राइट? जैसे कोई वनरेबल सेक्शन है जिनके पास पैसे नहीं है खरीदने के, तो फिर ये क्या करता है, उनके पास जाके कुछ स्कीम्स और प्रोग्राम्स के द्वारा फूड को एक्सेस कराता है, राइट? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, क्या यहाँ पे होता है 6,000 ट्रांसफर किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को, इसके लिए उनकी बेटर फैसिलिटीज के लिए कि डिलीवरी इजी हो पाए, कि अगर सिंपल सी बात है कि ये सारी चीजें लिंक्ड है, अगर मदर माल नरिश होगी तो बच्चा भी माल नरिश होगा काफी, राइट? So, अगर अपन मदर को कैश डिलीवरी प्रोवाइड करा पा रहे हैं कि अगर वो हेल्दी रहेगी तो फिर बच्चा भी हेल्दी रहेगा, राइट? सो ठीक है,
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो अपन क्या किया है, अपन ने 1975 की बात किया कि अपन ने काफी सारे वैक्सीनेशन किया। वैक्सीनेशन से क्या होता है, अपन इम्यूनाइजेशन कर देते हैं काफी सारे जो बच्चा अगर माल न्यूट्रिशन भी है तो क्या होता है, इम्यूनाइजेशन से वो ऐसी इंग्रेडिएंट्स अपने अंदर डेवलप कर लेता है कि अगर उसको कोई चीज इफेक्ट करती है तो वो इतना इजीली नहीं खा पाएगी क्योंकि वो उससे इम्यून है। इम्यून है मतलब बचा हुआ है, राइट, उसका उससे पहले से ट्रीटमेंट ले रखा है, राइट। तो ये सारे कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं। अब उसके बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को बेसिक एजुकेशन और अवेयरनेस, अगर अपन वे फॉरवर्ड में जाएं कि आपको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए कितनी नहीं लेनी चाहिए, राइट, ये सारी चीजें लोगों को बतानी पड़ेगी। प्रोग्राम्स की मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन करना पड़ेगा, अपने यहाँ बहुत कम होता है ये काम, इवोल्यूशन एंड मॉनिटरिंग, राइट, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है, इंडिया इज प्लानिंग टू होल्ड क्वाड मीट इन जापान, सेज फॉरेन सेक्रेटरी। सो अपन इंडिया क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है कि वो क्वाड की मीटिंग करेगा, लेकिन क्वाड होता क्या है सर, ये तो बताओ। सो क्वाड इट इज द ग्रुपिंग ऑफ फोर डेमोक्रेसीज, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान। All four nations find a common ground of being democratic nations and also support the common interest of unhindered maritime trade and security. The Quad क्या है, ये grouping है चार democracies की, कौन कौन, India, Australia, US and Japan, ठीक है। ये चार क्या करते हैं, democratic nations से चारों के चारों, ये क्या करते हैं, unhindered maritime trade and security के लिए एक group है, right? It aims to ensure and support a free, open and prosperous Indo-Pacific region. तो ये भी region जो भी है ना, Indo-Pacific region, तो इसको क्या करते हैं, ये free रखने की कोशिश करते हैं, right? किसी का भी domination ना हो। अपन देखते हैं कि यहाँ पे China का domination increase हो रहा है, right? तो ये चारों countries मिलके उसको dominate करने की कोशिश करेंगे, मतलब उसके against जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक जने का domination बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है, right? चलिए, तो आपने मुझे बताइए कि अपन इसको कहाँ लिंक करेंगे। तो अपन इसको प्रीलिम्स के लिए कर सकते हैं, क्वाड के बारे में पढ़ के जाइए, इंडो पैसिफिक के बारे में पढ़ के जाइए, ठीक है। मेंस के लिए कैसे लिंक करेंगे, मेंस के लिए आपके पास GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस में टॉपिक आता है, ठीक है, बायलेटरल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स, ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिव अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट, इंडियाज इंटरेस्ट। तो आप ये देखिए कि डायरेक्टली इंडिया का इंटरेस्ट अफेक्ट कर रहा है क्वाड, एक ग्रुप है, ठीक है, ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स। तो आप जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी चीज पढ़े तो आप उस चीज को कैसे लिंक कर रहे हैं आपके पेपर के सिलेबस से, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो चलते हैं अपन थोड़ा सा और क्वाड के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो क्वाड की सिग्निफिकेंस क्या है, काउंटर करना चाइना को, ठीक है। अपने देखा कि चाइना का डोमिनेंस बढ़ रहा था इन छोटी कंट्रीज के ऊपर या साउथ चाइना सी के ऊपर, राइट। उसके बाद क्या है, इमर्जिंग एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, मतलब कि कोई भी ज्यादा डोमिनेट ना कर पाए इसलिए, राइट। लेकिन इश्यूज क्या है, चलिए, कुछ ना कोई ग्रुप्स बनता है तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, उसके कोई इश्यूज भी होते हैं, राइट। तो उसका इश्यूज ये है कि अनडिफाइंड विजन, जब विजन इतना अच्छे से अभी तक डिफाइन नहीं है इनका, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैरीटाइम डोमिनेटेड है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब क्या हो रहा है, इंडिया काफी ऐसे अलायंस सिस्टम से जुड़ रहा है, तो इंडिया नॉन अलाइनमेंट फॉलो करता है, राइट। तो इंडिया थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम में रह सकता है कि वो ऐसे ग्रुप्स क्यों ज्वाइन कर सकता है, राइट। सो अपने को थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए कि अपन इजिली अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर मेंस में भी क्वेश्चन पूछे तो आप इजिली आंसर आउट कर सकते हैं, राइट। तो अपने मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा इससे सर, मेंस में आपसे इससे पूछा गया, क्वाड इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू अ ट्रेड ब्लॉक फॉर अ मिलिट्री अलायंस इन प्रेजेंट टाइम्स, डिस्कस। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे बताएं, राइट। चलिए अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है, सेंटर पुशेस वैक्सीनेशन एस लंपी स्किन रेवेजेस कैटल। तो लंपी स्किन डिजीज, यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ चुका है, अबाउट 10,000 केसेज रिपोर्टेड इन कंट्री इन मे, 128 कैटल डेथ इन उत्तराखंड अलोन, ऑफिशियल से सिवरिटी ऑफ इन्फेक्शन हैज बीन कर्ब्ड बाय वैक्सीनेशन, कैटल डेवलपिंग हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा एफयू के बारे में देख लेते हैं, एफयू क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द मोर्टेलिटी रेट इज लेस देन 10%, लंपी स्किन डिजीज वॉज फर्स्ट सीन एज एन एपिडेमिक,
इन जाम्बिया इन 1929। तो ये एपिडेमिक कहाँ देखा गया था? जाम्बिया में देखा गया था 1929 में। इनिशियली इट वॉज थॉट टू बी अ रिजल्ट ऑफ अदर पॉइजनिंग और हाइपर सेंसिटिविटी टू इंसेक्ट बाइट्स, राइट। तो अपन थोड़ा सा लंपी स्किन डिजीज के बारे में जान लेते हैं। लंपी स्किन डिजीज इज अ वायरल डिजीज ऑफ डोमेस्टिक कैटल, ठीक है, वाटर बफेलो सर्टेन वाइल्ड रूमिनेंट्स। ओके, आपको ध्यान रखना पड़ेगा वायरल डिजीज है। इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ एलएचडी इज 28 डेज, बट एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड कैटल में डेवलप क्लिनिकल साइंस एज अर्ली एज 6-9 डेज, ठीक है। क्लिनिकल साइंस कब डेवलप होने लग जाते हैं आपको पता, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना नहीं जाएगा डेफिनेट। Heavily impacts animal health and welfare and can lead to severe economic losses in effective farms. तो इससे क्या होता है, farms की productivity काफी remove हो सकती है, क्योंकि अगर farms की productivity क्या होती है, mostly के animals से होती है, right? LHD has recently spread to within Asia and posing a threat to our country. तो ये काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो हमने को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, right? Mainly by blood feeding anthropod vectors, mosquitoes, beating flies and the ticks. कहाँ कहाँ से किससे इफेक्ट होता है ये, थ्रू ब्रिंगिंग इन इफेक्टेड कैटल फ्रॉम इफेक्टेड रीजन्स, ठीक है। एलएसडी वायरस, बीटिंग वायरस, मॉस्किटो टिक्स, डेयरी कैटल, बटर बफेलो, ठीक है। तो ये सब आपको लंपी स्किन डिजीज के बारे में ध्यान होना चाहिए, अगर यूपीएससी प्रीलिम्स से क्वेश्चन बने तो आप इसी चीज को आंसर आउट कर पाए, राइट। तो इंडिया कुछ इसके लिए इनिशिएटिव ला रहा है क्या, राइट। तो इंडिया ने कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लाया, लाइक लंपी वैक्सीन लाई है, ICR ने डेवलप करी है, जो कि ये बोलता है कि 100% प्रोटेक्शन देगा इस डिजीज से, राइट। सो अभी तक इस लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन आने वाले फ्यू मंथ्स में लॉन्च होने वाली है, राइट। तो हमको इस चीज का ध्यान होना चाहिए। चलते हैं तो अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है अ पेवर्स टैक्स, द मोदी गवर्नमेंट इज गोइंग बैक ऑन इट्स प्रॉमिस ऑफ एंडिंग टैक्स टेररिज्म। तो अपन टैक्स टेररिज्म के बारे में देखते हैं कि टैक्स टेररिज्म क्या होता है और अपने लिए कैसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अगर अपने को टैक्स टेररिज्म के बारे में पता है तो अपन इजीली, अगर कभी भी मेंस फिल्म्स में कहीं भी पूछेगा तो अपन इजीली उस चीज को आंसर आउट कर पाएंगे, राइट। टैक्स रिलेटेड टर्म्स यूपीएससी हमेशा पूछता है, भले आपको टैक्सेशन चैप्टर से हो या कोई नई टर्म आई हो, तो टैक्सेशन आप जरूर पढ़ के जाएं, भले आप फिल्म्स अभी दे रहे हो, अगले साल दे रहे हो या उसके अगले साल दे रहे हो, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जब भी आप अपने स्टैटिक पढ़ें तो आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, राइट। सो अब अपन देख लेते हैं कि टैक्स टेररिज्म क्या होता है। सो टैक्स टेररिज्म एसेंशियली मींस द अनड्यू एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय टैक्स अथॉरिटीज टू लेवी टैक्सेस यूजिंग लीगल और एक्स्ट्रा लीगल मींस। सो ये यहाँ पे क्या होता है, टैक्स टेररिज्म मतलब क्या होता है, टैक्स अथॉरिटीज क्या करती है, अपनी पावर का यूज करती है क्या, टैक्सेस लगाने के लिए कौन से मेजर्स, कुछ कभी तो लीगल मेजर्स और ज्यादा लगाती है और कुछ एक्स्ट्रा लीगल लेके चली जाती है। अपन देखते हैं जब अपन लॉस बनाते हैं तो उसमें काफी सारे लूपहोल्स रहते हैं, राइट, भले वो आज बनाओ या कल बनाओ, लूपहोल्स तो हर चीज में रहते हैं। द वोडाफोन केस इज अ क्लासिक एग्जांपल, व्हेन डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रूलिंग इन फेवर ऑफ द कंपनी, टैक्स लॉस वर अमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिवली। तो आप ये देखिए, काफी टैक्स लॉस अमेंड किए गए, जैसे अपन वोडाफोन का केस देखा था, अपन ने वोडाफोन का केस का जो रूलिंग थी वो आई थी उनकी सपोर्ट में, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट एक रेट्रोस्पेक्टिव वे में गई पिछले सालों का जाके, उन्होंने टैक्स लगाया उनके ऊपर, राइट। सो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो जब भी कोई भी चीज ज्यादा टैक्स लगाई जाए, मतलब कि लीगल या एक्स्ट्रा लीगल वे यूज करके अपनी पावर का ज्यादा यूज किया जाए, तो उसको बोलते हैं टैक्स टेररिज्म, राइट। आप तो टेररिज्म से और कुछ लेके नहीं जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो एसेंशियली टैक्स टेररिज्म इज एन आउटकम ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स फ्रेमवर्क। तो अपन देख लेते हैं कि मैंने आपको ये बताया, मैं आपको पॉइंट्स में बताया था। तो अपने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। अपने टैक्स स्ट्रक्चर सबके लिए इजी समझना नहीं है, अपने टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि 5th क्लास के बच्चे को भी समझ आए, राइट। तो वो अपने यहाँ नहीं है, अपने यहाँ क्या है, एम्बिग्यूटी इन लॉस, राइट। मैंने आपको बताया था लॉस, अपने यहाँ लूपहोल्स हैं काफी सारे, ठीक है। अपने यहाँ पे क्या है, हाई इम्बेलेंस है काफी चीजों का, ठीक है। काफी लोगों के पास काफी डिस्क्रिशन है, किसी के पास काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो उसी में अपन अटके रह जाते हैं, नहीं। अब अपन देखते हैं कि इससे अपने को प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। तो टैक्स टेररिज्म से क्या होता है, अगर नॉन कंप्लायंस होता है एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, तो वो लिटिगेशन के थ्रू इफेक्टेड रह जाते हैं, राइट। मतलब टैक्स टेररिज्म बहुत ज्यादा, जो अगर कोई भी नया इन्वेस्टर्स आना चाहता है तो उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, राइट। और लोगों के
मतलब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो लॉस में इनकम लॉस आता है, ठीक है, इनकम लॉस आएगा तो ग्रोथ, जीडीपी डायरेक्ट इफेक्ट होती है, ये सारी की सारी चीजें आपको कनेक्ट करते हुए चलनी है, तो आप इजीली सारी चीजों को आंसर आउट कर पाएंगे, राइट। सो अपना लास्ट आर्टिकल कहता है, नेशनल क्वांटम मिशन ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट इनोवेशन हब, बिल्ड अ वर्कफोर्स, स्किल्ड वर्कफोर्स, इट वुड रिक्वायर अ बिग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो अगर नेशनल क्वांटम मिशन को पूरा कर अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इनोवेशन हब्स बनाने पड़ेंगे, स्किल्ड वर्कफोर्स क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए क्या होगा, एक बिग इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा, कहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो यहाँ से क्या सुनती है, सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल भी नहीं हाँ, लेकिन ह्यूमन कैपिटल कैसे क्रिएट हो सकता है, राइट। यूपीसी सोशल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इन सबसे क्वेश्चन पूछ करती है, तो कई बार तो ऐसी हेडलाइंस ही आपको अगर समझ आ रही है ना तो आप डायरेक्टली उनको आंसर आउट कर सकते हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि अपने लिए प्रिलिम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर प्रिलिम्स नेशनल क्वांटम मिशन आपको ध्यान होना चाहिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा ध्यान होना चाहिए, मेंस के लिए क्या, नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में ध्यान होना चाहिए, रोल इन डेवलपिंग क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस क्या, डिसएडवांटेजेस क्या, राइट। तो अपन अब थोड़ा सा क्वांटम मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। तो यूपीएससी क्या करेगा, यूपीएससी बोल देगा कि ये कोई दूसरे मिनिस्ट्री के अंदर है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है और वही इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। तो वो चीज गलत हो जाएगी, तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है तो आप इजीली उस चीज को आंसर आउट कर सकते हैं, राइट। तो अपन अब थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं कि और ये क्या बोलना चाहता है अपने को। तो मिशन इज प्लान फॉर, कब प्लान किया गया मिशन, ये आपको ध्यान होना चाहिए इसमें। 2023-2020 एम्स टू सीड नेचर एंड स्केल अप साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल आरएनडी एंड क्रिएट अ वाइब्रेंट इनोवेटिव इकोसिस्टम इन द क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो ये मिशन क्या प्लान करता है, ये इतने सालों में ये सारी चीजें डेवलप करने का प्लान कर रहा है, राइट। विद द लॉन्च ऑफ दिस मिशन इंडिया विल बी द सेवेंथ कंट्री टू हैव अ डेडिकेटेड क्वांटम मिशन। तो अपन फर्स्ट कंट्री नहीं है, आप इस चीज का ध्यान रखिए, यूपीसी बोल देगा कि हम फर्स्ट कंट्री है जो कि क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क कर रहा है, राइट। तो अपन फर्स्ट नहीं है, अपन सेवेंथ कंट्री है जो इससे रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, राइट। सो कौन से सबसे पहले, यूएस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, कैनेडा एंड चाइना। तो ये सारी की सारी कंट्रीज पहले से ही इन पे वर्क कर चुकी है, राइट। तो सर आप बोलेंगे सर थोड़ा सा हमें इसके बारे में बता दीजिए कि इसके और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और अगर अपन इसको मीन्स में लिखने जाएं तो कैसे लिख सकते हैं, राइट। तो आप थोड़ा सा क्वांटम कंप्यूटिंग और नॉर्मल कंप्यूटर्स के बीच में डिफरेंस लगा सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर इनके बीच में रिलेशनशिप ऐसे चलता रहता है, राइट, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोपोर्शन होता है क्यूबिट्स का वो डायरेक्टली एकदम इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फिर अगर इसकी अपन कमर्शियल एप्लीकेशंस देखें तो क्या क्या हो सकती है, फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी जो लार्जर प्रॉब्लम्स होती हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो उसको इजीली सॉर्ट आउट कर सकती है, राइट, फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी अपन देखते हैं, आज के टाइम में एक मेजर इशू बनता जा रहा है उससे रिलेटेड, ठीक है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, अपन मैन्युफैक्चरिंग अगर कंप्यूटर्स फास्ट हो पाएंगे तो अपन और इजीली कर पाएंगे, अपन देखते हैं 3D प्रिंटिंग आ रहा है, राइट। उसके बाद जाके काफी दूसरी चीजें आ रही हैं। तो मशीन लर्निंग लोगों को सीखनी है तो वो और इजीली कर पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर्स आज भी काफी टाइम में स्लो वर्क करते हैं जितना अपने को प्रोसेस रिक्वायर्ड है, ठीक है। हेल्थ केयर, अपन हेल्थ में देखते हैं DNA सिक्वेंसिंग, जीनेटिक इंजीनियरिंग, इतने सारे कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, अपन इस कंप्यूटर्स को काफी यूज कर सकते हैं, राइट। तो अपन डायरेक्टली अपने आंसर्स में लिख पाएंगे, लेकिन अपन देखते हैं कि इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, इससे कुछ ना कुछ चैलेंजेस होंगे। तो एक्सपेंसिव रेफ्रिजरेटर, ठीक है, मतलब लाइक जो भी इसका इक्विपमेंट्स आते हैं ना वो काफी महंगे आते हैं, क्योंकि इनको प्रोसेस करने के लिए काफी टाइम लगता है, राइट। तो उससे मतलब लाइक अगर इतना प्रोसेस हो रहा है तो गर्म होता है, तो उसके लिए क्या होता है, रेफ्रिजरेटर्स यूज किए जाते हैं कई बार, तो क्या होता है, एनवायरमेंट को डायरेक्टली डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जाके देखते हैं अपन थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, कई बार क्वांटम एआई टूल्स अपने ऑटोनोमस वेपन मतलब लाइक खुद भी काम कर सकते हैं, तो वो एक अपने को फायदा तो दे ही रहे थे, लेकिन वो अपने अगेंस्ट भी चले जाते हैं कई बार, राइट। कई बार अपन देखते हैं कि साइबर अटैक्स इंक्रीज भी हो सकते हैं, जो चीज ठीक हो सकती है उसका उल्टा भी हो सकता है, राइट। तो दोनों चीजें हो सकती है।
तो ये सारी चीजें आपको इस चीज से रिलेटेड ध्यान होनी चाहिए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव अपन ने देखा कि क्या है, ठीक है। अब अपन को वे फॉरवर्ड में क्या बताना पड़ेगा, वे फॉरवर्ड में अपने को ये बताना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को इसमें इंक्रीज करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट को, राइट, और उसके पोटेंशियल को अपन कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने को ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। तो ये थे अपने कुछ आज के एडिटोरियल्स, ठीक है। सो अब अपन, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, और टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और एडिटोरियल्स के साथ 20 ऑफ मई को।